नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे ऑल्ट की तरफ से आने वाली ऑल्ट बाई प्रो स्मार्ट वॉच की। ये हाल ही में फ्लिपकार्ट पर लॉन्च हुई है और मैंने इसे परचेस किया है। और ये आप देख सकते हैं, इसके जो फीचर्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे इसमें एक बिग डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है 1.5 इंच की, और जो इसमें रेजोल्यूशन है वो 360x360 पिक्सल का आपको देखने को मिलता है। साथ ही जो इसका MRP है वो 12,000 लिखा गया है, पर आप इसे इजीली 1500 रुपये में बाय कर सकते हैं फ्लिपकार्ट से। कुछ और फीचर्स आपको इधर देखने को मिल जाएंगे, चलिए जल्दी से इसे ओपन करते हैं। जैसे यहाँ बॉक्स को ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से जो हमारी स्मार्ट वॉच है वो रखी हुई मिल जाएगी। ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी लग रही है ग्रे कलर में। और बॉक्स के अंदर मैं आपको दिखा दूँ जो कंटेंट्स हैं, तो उसमें आपको एक यूज़र मैनुअल, वारंटी कार्ड और कुछ स्टिकर्स ऑल्ट की तरफ से देखने को मिल जाएंगे कुछ इस तरीके से। और साथ ही आपको एक चार्जिंग केबल देखने को मिल जाएगी जो कि मैग्नेटिक चार्जिंग केबल है, और इसकी लेंथ और क्वालिटी दोनों ही काफ़ी अच्छी हैं। बॉक्स में आपको ये सभी कंटेंट्स देखने को मिल जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं अपने स्मार्ट वॉच की। मैं जल्दी से इसका स्टिकर रिमूव कर देता हूँ। बॉडी है वो फुली मेटल की आपको देखने को मिल जाती है, जैसे कि आप देख भी सकते हैं। इसमें आपको दो बटन्स देखने को मिल जाएंगे, एक ऊपर वाला क्राउन है जो कि रोटेटिंग क्राउन है, मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में। और बाकी ये नीचे जो है ये पुश बटन आपको देखने को मिल जाता है। बैक साइड पे आप देख सकते हैं प्रॉपर जो ग्लास है वो इसमें यूज किया गया है, और यहाँ पे आपको चार्जिंग डॉक देखने को मिल जाता है। बाकी जो इसके स्ट्रैप्स हैं वो भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इसमें 22mm के जो स्ट्रैप्स हैं वो फिट होते हैं। बाकी जो इसकी कर्व डिस्प्ले है वो काफ़ी अच्छा इसे लुक प्रोवाइड कर रही है, और काफ़ी प्रीमियम ये स्मार्ट वॉच आपको देखने को मिलती है। अब बात कर ली जाए इसके जो स्ट्रैप्स हैं, तो उसकी भी क्वालिटी काफ़ी डिसेंट है। मैंने ये मिस्टी ग्रे कलर ऑर्डर किया था, मैंने आपको जैसा बताया, और उसके हिसाब से काफ़ी अच्छी जो इसकी स्ट्रैप की क्वालिटी है वो हमें देखने को मिलती है। ऐसे मैं ये वाले स्ट्रैप ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगा, आफ्टर मार्केट स्ट्रैप्स यूज़ करता हूँ मैं ज़्यादातर। और आप देख भी सकते हैं इसमें जो बकल है वो स्टेनलेस स्टील का दिया गया है, जिसमें ऑल्ट की जो ब्रांडिंग है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और इस साइड आप देख सकते हैं ये आपको माइक देखने को मिल जाता है। और बाकी जो इसमें स्पीकर है वो ऊपर की साइड दिया गया है, ज्यादातर वॉचेस में इस साइड होता है पर इसमें ऊपर की साइड दिया गया है, आप देख भी सकते हैं। चलिए जल्दी से इसे एक बार बूट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी स्मार्ट वॉच है वो बूट हो चुकी है, और आप देख सकते हैं काफी इजीली ये बूट हो गई है, और की जो डिस्प्ले है उसका भी आपको अंदाजा लग जाएगा कि कितने इसमें बेजल्स देखने को मिल जाते हैं। और वॉचेस के मुकाबले काफ़ी थिन बेजल्स आपको देखने को मिलते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आप देख सकते हैं। और एक बार मैं ब्राइटनेस का भी आपको दिखा देता हूँ, ये इसमें काफ़ी अच्छी जो ब्राइटनेस है वो आपको देखने को मिल जाएगी। डे लाइट में भी आपको कोई भी इशू नहीं होने वाला है। अभी मैं इसे लो ब्राइटनेस पर यूज़ कर रहा हूँ, और आप देख भी सकते हैं काफ़ी अच्छी जो ब्राइटनेस लेवल है वो इसमें आपको देखने को मिल जाता है। बाकी इसके UI की अगर बात कर ली जाए, तो ऊपर की तरफ आपको ये DND का मोड देखने को मिल जाता है, साथ ही आपको बैटरी सेवर देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आप ब्राइटनेस लेवल एडजस्ट कर पाएंगे कुछ इस तरीके से जैसे मैंने आपको करके दिखाया। और इधर आपको फ्लैश लाइट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आप अपने जो QR कोड्स हैं वो भी इसमें अटैच कर सकते हैं, और वॉच के थ्रू आप देख भी पाएंगे उन्हें। और इधर इस साइड आपको जो तमाम सेटिंग्स हैं वो आपको देखने को मिल जाती हैं। इसमें अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि आपको अगर ऑडियो ऑफ करना है वॉच से तो ये आप डिसेबल कर सकते हैं, उसी तरीके से आपको अगर फ़ोन कॉल्स ऑफ करनी है तो आप इसे भी डिसेबल कर सकते हैं। तो काफ़ी तमाम सेटिंग्स इसमें आपको देखने को मिल जाती हैं। और नीचे से आप ऊपर की तरफ सेलेक्ट करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन यानी कि मैसेजेस देखने को मिल जाते हैं, और आपको लेफ्ट स्वाइप करने पर काफ़ी सारे जो कंपोनेंट्स इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे शॉर्टकट्स के तौर पर, और आप यहाँ से इसे काफ़ी सारे कंपोनेंट्स को ऐड भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। राइट स्वाइप करेंगे तो आपको इस तरीके से जो शॉर्टकट्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पे आपको जो जितने भी ऐप्स हैं इसमें वॉच में वो आपको देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी सारे ऐप्स हैं, और कैलकुलेटर, फ्लैश लाइट और वीमेन के लिए काफ़ी सारे यूज़फुल ऐप्स हैं इसमें। और साथ ही आपको मैं दिखा दूँ इसमें गेम्स भी हैं, मैं दिखा देता हूँ। तो ये रहे गेम्स, तो गेम्स इसमें दो तरह के दिए गए हैं, एक ये 2048 और दूसरा एक ये फ्लॉपी। एक बार इसके सेंसर्स की भी टेस्टिंग कर ली जाए कि ये रीडिंग किस तरीके से देते हैं। अभी मैं यहाँ पे अपने टेबल पे रखता हूँ तो आप देख सकते हैं, चलो ये तो वार्निंग आ गई, काफ़ी अच्छी बात है कि कम से कम इसने डिफ्रेंशिएट किया हाथ के और टेबल के बीच में। अब मैं दोबारा से इस पर टैप करता हूँ और देखता हूँ कितनी देर में ये जो रीडिंग्स है वो हमें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये इसने हमारी जो रीडिंग्स है वो हमें दिखा दी है। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो भी इसमें सेंसर्स हैं वो फन के लिए ठीक है, पर आप मेडिकेशन के लिए इस पर डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि ये कभी भी आपको धोखा दे सकते हैं। बाकी वॉच काफ़ी अच्छी है, और काफ़ी क्रिस्प एंड क्लियर डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है। अब चलिए जल्दी से इसे ऐप से कनेक्ट करते हैं। तो ऐप से कनेक्ट करने के लिए आपको सिंपली सेटिंग्स में जाना है, और सेटिंग्स में जाने के बाद अबाउट में जाकर आपको ऐप डाउनलोड पर क्लिक करना है, और यहाँ से आप स्कैन करके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो कुछ इस तरीके से जो ऑप्शन है वो आपको वॉचेस के देखने को मिल जाएंगे। अभी मेरे पास दो वॉचेस हैं ऑल्ट की, तो इसीलिए दो ऑप्शन आ रहे हैं।
हमें ऑल्ड वाइप प्रो पे क्लिक करना है और ये इस तरीके से जो है वो कनेक्ट हो जाएगी। आप देख भी सकते हैं ऊपर कनेक्टिंग लिखा हुआ आ रहा है और ये जो हमारी स्मार्ट वॉच है वो कनेक्ट हो चुकी है और इसमें आप देख सकते हैं बैटरी परसेंटेज 73% दिखा रहा है। ये आप देख सकते हैं अभी मैंने इसे कनेक्ट किया है और इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट का एक ऑप्शन आ गया है। चलिए इसे अपडेट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये दिखा रहा है और ये डाउनलोडिंग फर्मवेयर हो रहा है और जो हमारी स्मार्ट वॉच है उसमें भी अपडेटिंग लिखा हुआ आ गया है और मोबाइल की स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं अपडेट प्रोसेस में है। मैंने पहली बार देखा है किसी स्मार्ट वॉच में सॉफ्टवेयर अपडेट होते हुए और फाइनली जो हमारा अपग्रेड है वो सक्सेस हो चुका है। तो यहाँ पे हम डन पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जो ऐप का इंटरफेस है वो आपको देखने को मिल जाता है। इसमें आपको काफी सारे वॉच फेसेस हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे और ऐप की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पे आप एक अपना जो कस्टम वॉच फेस है वो भी यहाँ पे लगा सकते हैं। कुछ इस तरीके से यहाँ पे बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं आप और जैसे भी चाहें कलर फॉन्ट का आप कर सकते हैं। और नीचे की साइड आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है वो सारे आप इनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हैं, जैसे कॉल हो गया या फिर मैसेजेस हो गया या जो भी आपके जो इनबिल्ट मोबाइल के एप्स होते हैं उन सबका जो नोटिफिकेशन है वो वॉच पर आप पा सकते हैं। पर उसकी एक ही लिमिटेशन होती है, अगर आप ज्यादातर नोटिफिकेशन अनेबल कर देते हैं तो उसकी वजह से जो आपकी बैटरी है वो ज्यादा ड्रेन होती है। तो इसीलिए मैं सिर्फ दो नोटिफिकेशन अनेबल रखता हूँ हमेशा। और इधर की साइड आप देख सकते हैं यहाँ पे अपना जो QR कार्ड है जो मैंने आपको बताया था वॉच में वो आप यहाँ से अपलोड कर पाएंगे। आप कोई भी अपने पेटीएम वगैरह या किसी भी चीज का आप यहाँ पे QR कार्ड लगा सकते हैं। इसमें अप टू 8 कॉन्टेक्ट्स आप सिंक कर पाएंगे एक बार में। चलिए साथ ही मैं इसके जो स्पीकर की क्वालिटी है वो आपको दिखा देता हूँ और कॉलिंग फंक्शन भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक नंबर डायल करा था, मैं उसे दोबारा डायल करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरीके से जो है कॉल आप कर पाएंगे और यहाँ से आप फोन या फिर वॉच के बीच में चूज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अभी मैंने रिचार्ज नहीं कराया है तो मैंने जो आपको इसकी स्पीकर की क्वालिटी है वो दिखाई। बाकी इसके जो माइक की क्वालिटी है वो भी काफी डिसेंट है। मैंने इसे दूसरे फोन से कनेक्ट किया था तो मुझे काफी अच्छा आउटपुट इसका देखने को मिला। तो आप चाहें तो इसे बाय कर सकते हैं। इसको बाय करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी मैं कहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे मैं इसके जो स्टेप्स हैं उसकी भी वीडियो लेकर आऊंगा। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि इसके लिए मैं टेम्पर्ड ग्लास की एक वीडियो बनाऊं तो वो भी मैं आगे आपके लिए लेकर आऊंगा। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और मुझे बताइए। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली अनबॉक्सिंग में। थैंक यू।